अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे बढ़िया और एक्साइटिंग न्यूज ये है कि Realme C67 स्मार्टफोन काफी जल्द आने वाला है। यकीन माने मेरे पास मौजूद है इस स्मार्टफोन का एग्जैक्ट लॉन्च डेट और ये काफी जल्द आने वाला है, तो स्टे ट्यून फॉर मोर डिटेल्स। Realme C67 स्मार्टफोन इंतहा ज्यादा खूबसूरत और एक अट्रैक्टिव डिजाइन के साथ आता है। ओप्पो के स्मार्टफोन बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड, स्पेशली जो कैमरा मॉड्यूल है, रियर साइड पर वर्टिकल ब्लैक कलर का कैमरा मॉड्यूल दिया गया है जिसमें डुअल कैमरा सेटअप दिया गया और राइट साइड पर एलईडी फ्लैश लाइट दिया गया। स्मार्टफोन का जो बैक साइड है वो मैट डिजाइनिंग के साथ आता है और ये जो बैक साइड एक ग्लास का दिया गया जो कि अपने आप में काफी अच्छी बात है। स्मार्टफोन की कलर्स की बात करूं तो एक ब्लैक कलर है और एक ब्लू कलर है, दोनों कलर जो काफी अट्रैक्टिव और दिलकश नजर आ रहे हैं। स्मार्टफोन के बॉटम साइड पर Realme की ब्रांडिंग भी दी गई है। स्मार्टफोन एक बॉक्स फ्लैट फ्रेम के साथ है, प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया जो कि 7.6 mm थिक है और 185 ग्राम स्मार्टफोन का वेट दिया गया है और ये स्मार्टफोन IP54 की रेटिंग के साथ है, यानी डस्ट और स्प्लैश रेजिस्टेंस है। तो ये फीचर मुझे काफी पसंद होता है और हर एक स्मार्टफोन में ये फीचर देना चाहिए क्योंकि अमूमन पता नहीं चलता आप कब बारिश में जा रहे हो, कब नाले में गिर जाए, कुछ पता नहीं होता। तो ये एक अच्छा फीचर जो कि Realme ने इस स्मार्टफोन में दिया है। Realme C67 स्मार्टफोन में दिया गया 6.72 इंच का एक फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला एक IPS डिस्प्ले जो कि 120 हर्ट्ज के हाई रिफ्रेश रेट के साथ है। एक सेंटर पंच होल कैमरा दिया गया और 950 निट्स की ब्राइटनेस आपको देखने को मिल जाती है और ये स्मार्टफोन साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ है। यहाँ पर जो डिस्प्ले काफी बड़े साइज का डिस्प्ले दिया गया और अच्छी बात है कि इस बार जो रिफ्रेश रेट है उसको इम्प्रूव किया गया और पंच होल कैमरा दिया गया। आई विश के एमोलेड डिस्प्ले होते तो और भी अच्छी बात हो जाती क्योंकि Realme के सी सीरीज में कभी हमने एमोलेड डिस्प्ले नहीं दिया है, तो आई थिंक अब वो वक्त आ चुका है अब आपको Realme के में एमुलेट डिस्प्ले देना चाहिए। Realme C67 स्मार्टफोन में दिया गया स्नैपड्रैगन 685 का प्रोसेसर जो कि 6 NM पर बेस और एड्रीनो 610 का GPU दिया है। स्मार्टफोन 8/128 और 8/256 GB वाला वेरिएंट में अनवील हुआ है और UFS 2.2 का सपोर्ट टाइप है। एंड्रॉइड 14 के साथ आता है जो कि Realme UI 4 के वर्जन के साथ आता है। जो चीज मुझे सबसे अच्छी लगी कि ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 14 के साथ आने वाला है, तो ये सबसे अच्छी बात है और कमाल बात है। और प्रोसेसर जो है वो डिसेंट है, परफॉर्मेंस वाइज गुजारे लायक जरूर है। स्नैपड्रैगन 680 जैसा है जो कि Redmi Note 12 में ऑलरेडी हम देख चुके हैं। अब बात करते हैं स्मार्टफोन के प्राइस एंड लॉन्च डेट के बारे में और यही वो सेगमेंट है जिसका सबको इंतजार होता है। तो भाई देखो, लॉन्च डेट का सीन ये कि ये स्मार्टफोन आपको 14 तारीख तक पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल कर दिया जाएगा। जी हाँ, ये स्मार्टफोन 14 जनवरी को आने वाला है और काफी जल्द आप इस स्मार्टफोन का दीदार कर सकेंगे। रही बात प्राइस की, तो जो स्पेक्स है और जो Realme का ट्रैक रिकॉर्ड है उस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो 8/256 GB वाला वेरिएंट है वो आप 45,000 तक देखने को मिल सकता है। इसी प्राइस में आपने एक्सपेक्ट करना है, इसी तरह का आपने माइंड बनाना है ताकि बाद में आपको दिल आजारी ना हो जाए, आपको डिसअपॉइंटमेंट ना हो जाए। स्मार्टफोन के रियर साइड पर डुअल कैमरा सेटअप है, जैसे कि आप देख सकते हैं जो मेन कैमरा है वो 108 MP का दिया गया है F1.8 अपर्चर के साथ और 2 MP का डेप्थ सेंसर दिया गया है, जबकि फ्रंट पर सेंटर पंच होल कैमरा में सिर्फ 8 MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। स्मार्टफोन रियर कैमरा से फुल HD प्लस 30 FPS पर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और फ्रंट कैमरा से भी 1080 30 FPS पर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। देखो, कैमरा के बारे से मैं इतना बताना चाहूंगा कि ये स्मार्टफोन बहुत ही ज्यादा एक ऑर्डिनरी कैमरा के साथ आएगा। बेशक 108 MP का कैमरा है, बट तो क्वाद आपने बिल्कुल मामूली रखनी, डाउन द ग्राउंड रखनी है ताकि आपको पहले से पता हो कि हाँ, ये बहुत एक ऑर्डिनरी कैमरा सेटअप के साथ है और सेल्फी कैमरा तो बहुत ही स्ट्रगल जरूर करेगा। सिर्फ 8 MP का क्या क्वालिटी होगी वो तो आप भी जानते हैं और मुझे भी अच्छी तरह पता है। Realme C67 स्मार्टफोन 5000mAh बैटरी के साथ आने वाला है, 33 W की फास्ट चार्ज टाइप सी पोर्ट 3.5 मॉड्यूल जैक और सबसे अच्छी बात की स्मार्टफोन डुअल स्टीरियो स्पीकर के साथ है जो की अच्छी बात है। और यहाँ पर मैं आपको इतना बता देना चाहता हूँ कि स्मार्टफोन इंतहाई ज्यादा खूबसूरत और काफी डिसेंट स्पेक्स के साथ है। एक्चुअल बात प्राइस एंड अवेलेबिलिटी की है जिसके बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। इंतजार करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।